सबसे पहले पोस्टीरियर लोब की बात करेंगे, यानी जो जो पीछे वाली लोब में प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड, जो पीछे वाले पार्ट में, पोस्टीरियर पार्ट में जो हार्मोन प्रेजेंट है, इसमें दो हार्मोन होते हैं, एक होता है ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन, ओके। जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में दो हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन। अब ये क्या काम करते हैं, ऑक्सीटोसिन के बारे में समझेंगे पहले। ऑक्सीटोसिन क्या है, इट स्टिमुलेट द स्मूथ मसल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड इंटेस्टाइन। हमारे जो ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन है, उनके अंदर स्मूथ मसल हैं, ठीक है। जो विलाई माइक्रोविलाई हमने स्टडी किए थे, डिस्कस किए थे, वो स्मूथ मसल होते हैं, ठीक है। उनको कंट्रोल कर, उनको कौन कंट्रोल करता है, ऑक्सीटोसिन। उनकी वर्किंग जो भी है, ठीक है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑक्सीटोसिन। अगर ये रिलीज नहीं होगा तो आपके विलाई माइक्रोविलाई इंटेस्टाइन में और जो भी स्मूथ मसल है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है वासोप्रेसिन, इट एक्ट्स ऑन किडनी एंड इज कंसीडर्ड एज एंटी डायुरेटिक, अ सब्सटेंस दैट इनहिबिट यूरिन प्रोडक्शन एंड एडिंग इन रिटेंशन ऑफ बॉडीली फ्लूइड। तो वासोप्रेसिन को एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डायुरेटिक हॉर्मोन। इसका क्या मतलब होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है, इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, जो यूरिन प्रोडक्शन को कम कर देगा और हमारी रिटेनिंग वाटर रिटेंशन बॉडी में इंक्रीज कर देगा, जिसके वजह से हम डिहाइड्रेशन से बचेंगे, हमारे फ्लूइड लॉस, जो एक्सेस फ्लूइड लॉस हो रहा है उससे बचेंगे, ठीक है। और एडीएच, ये जो एंटी डायुरेटिक हार्मोन यानी वासोप्रेसिन, एक और काम करता है, अगर यूरिन अगर बॉडी डिहाइड्रेट की बजाय बहुत ज्यादा ओवर हाइड्रेटेड है, अगर बॉडी में ओवर हाइड्रेशन है, यानी पानी का लेवल ज्यादा भी है, बहुत ज्यादा पानी पी लिया हमने, एक्सेस में पी लिया, तो बार बार यूरिनेशन के थ्रू उसको निकालेगा, ओके। तो मतलब ये वाटर लेवल मेंटेन करता है बॉडी का, जो वासोप्रेसिन है, और ये किडनी किडनी पर एक्ट करता है, और इसको एंटी डायुरेटिक हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। देन एंटीरियर लोब्स के हार्मोन है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, पहले नोट डाउन कर लो, ये पहले डिस्कस ही कर लेते हैं। अभी हमने पोस्टीरियर लोब के हार्मोन को पढ़ा था, दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन। नेक्स्ट अब एंटीरियर पार्ट, जो उसका फ्रंट पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसमें कौन कौन से हार्मोन है उनको देखेंगे। इट रिलीजेस सिक्स हार्मोन, छह हार्मोन रिलीज करते हैं, FSH, LH, TSH, ACTH, GH एंड प्रोलैक्टिन। FSH होता है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, देन TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन ACTH है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, देन GH है ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। अब ये क्या क्या काम करते हैं वो डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, क्या काम करता है, दे आर कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन्स बिकॉज ऑफ देयर इफेक्ट ऑन गोनाड्स, ओवरीज एंड टेस्टिकल्स, ठीक है। उनके ऊपर इनका इफेक्ट होता है, इसकी वजह से इनको गोनाडोट्रोपिन्स भी बोलते हैं, किसको, FSH एंड LH, गोनाडोट्रोपिन्स भी बोलते हैं। These substances control the secretion of estrogen and progesterone in the ovaries and production of testosterone in the testicles. तो जो हमारा FSH है और LH हो, LH है हमारा luteinizing hormone, ये control करते हैं estrogen को, testosterone को, progesterone की production को, secretion को। secretion का मतलब होता है release होना, निकलना, उसके release में हमको ये मदद करते हैं, ठीक है। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के, उसी हिसाब से ये प्रोडक्शन करेंगे। अगर कोई एक्सरसाइज ही नहीं करता तो उसकी बॉडी को, मसल को रिकवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी मसल को उतनी ही रिकवरी चाहिए जितनी वो ब्रेक डाउन कर रहा है। अगर वो हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो पर्सन हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उनके मसल्स को ज़्यादा रिकवरी की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए फिर हार्मोन को ज्यादा प्रोड्यूस होना पड़ता है, ताकि जितना ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होगा उतना ही वो काम करवाएगा। बॉडी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट प्रोडक्शन करती है, यानी